हेलो दोस्तों, मैं बिशन दत्त टिप्स ऑन लिविंग से। आज हम बात करेंगे दोस्तों ऊटी रेस की। और 30 अप्रैल की रेस है। पहली रेस 10:30 बजे है दोस्तों, और आखिरी रेस 2 बजे है। टोटल 8 रेसें हैं। मैं यार टॉप फोर्सेस ऑन फील्ड भी लेके चलूंगा इस रेस में इस बार। और पहली रेस में आ जाते हैं, 1200 मीटर क्लास 5 की रेस है यार, एक नंबर है। डायमोंडो लास्ट टाइम गुड सेकंड लगा था, कामले के नीचे विदाउट भी रेस थी। और दो तीन घोड़े हैं इस रेस में भागे हुए हैं, हरन के साथ ही भागे थे सेम फील्ड में। तो यहाँ पे कामले से इस बार सी उमेश बैठा दिया है, और लास्ट रन अच्छा था यार। उम्मीद करते हैं दोबारा एक बेटर रन देखने को मिले। 2 नंबर मार्शल गुड सेकंड लगा यार, लास्ट टाइम सू एलमोनियम हुए थे और गुड सेकंड हुआ है। इस बार बिल्कुल चांस है लास्ट रन के हिसाब से। 3 नंबर है कॉन्सियस कीपर, यहाँ पे ये बिल्कुल सरप्राइज कर सकता है दोस्तों, या ये कह सकते हैं आप एक अपसेट रन दे सकता है। और 4 नंबर है ब्योर गार्ड, सलमान खान बैठा हुआ है, हैंगिन हुआ था लास्ट टाइम और मद्रास के रन में, सूज एलमोनियम में थे उस दिन रीगल किड के साथ में। और जॉकी के हिसाब से यार हो सकता है कि यहाँ पे एक बेनिफिट मिले इस घोड़े को लास्ट रन के हिसाब से, और कर सकता है अपसेट यहाँ पे। और 6 नंबर है स्टिल वॉल्टर, हैंग आउट हुआ था, ये भी मद्रास के बाद अब पहला रन है यहाँ पे। और शूज चेंज हो रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, अच्छे फील्ड में भागा हुआ है, प्रपोज एग्जेम्प्लीफाई और ईगल ब्लफ एल्यूसिनेट के साथ में। यहाँ पे बिल्कुल ये इनायत के नीचे अपसेट कर सकता है सरप्राइज। और पिक लेके चलूंगा दोस्तों 1 नंबर डायमोंडो सी उमेश, और 2 नंबर मार्शल श्रीकांत कामले। सेकेंड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, नो व्हिप रेस है। और यहाँ पे टॉपर्स इज ऑन फील्ड में, जो 1 नंबर बिल्कुल सरप्राइज कर सकता है, अच्छे फील्ड में भागा हुआ है, दोनों रन बढ़िया है। बट यहाँ पे मतलब सू एल्मोनियम हो रहे हैं और क्लास 4 की रेस है। बिल्कुल यार ये घोड़ा बिल्कुल बन रहा है, आप इस पे नजर जरूर रखना दोस्तों, ये बिल्कुल मुझे सही लग रहा है घोड़ा। और उसके बाद है दोस्तों 2 नंबर फेयर जस्टिसिया, यहाँ पे सी उमेश बैठा हुआ है। और लास्ट टाइम मांझी ने राइड किया था विदाउट वीपी, इस बार हो सकता है जॉकी का बेनिफिट मिले। 1 नंबर का गेट है, बिग ट्रेजर है, बिल्कुल यार ये घोड़ा रिपीट कर सकता है, बहुत टाइमिंग भी ठीक से जीता हुआ है और मार्जिन काफी है। और 4 नंबर एक्सीलेंट स्टार अपसेट कर सकता है दोस्तों। 5 नंबर स्टन मैडन, ये बिल्कुल बोर्ड के लिए ट्राई कर सकता है। और यहाँ पे 7 नंबर है मेजेस्टिक चामर, लास्ट टाइम सी उमेश बैठा था इस घोड़े पे। यार ये घोड़ा बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ड्रिफ्ट बाहर हो गया, बम्प्ड हो गया, और एक घोड़ा ऑब्जेक्शन के बाद हटा दिया था, पांचवा हुआ था ये घोड़ा, बिल्कुल रेत में ही चला गया था यार, मतलब आउटसाइड में बिल्कुल ही। और यहाँ पे बिल्कुल ये घोड़ा इस बारी एक सरप्राइज रन दे सकता है। बट मैं इस रेस में यार सिंगल ही पिक लेके चलूंगा, क्योंकि दो तीन घोड़ों में ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है मुझे। 3 नंबर बिग ट्रेजर और ऐसे अमित के नीचे, उम्मीद करते हैं एक बेटर रन दोबारा देखने को मिले। और थर्ड रेस में आ जाते हैं दोस्तों, थर्ड रेस 1300 मीटर क्लास 4 की है। और यहाँ पे करंट व्यू चांस बिल्कुल बनता है जीतने का, गुड थर्ड लगा हुआ है लास्ट टाइम, अभी आईसी रिवर है, गेट से काफी स्लो निकला है यार लास्ट टाइम, बहुत स्लो निकला, बल्कि ये कह सकते हैं सरप्राइज कर सकता है। मिस्टर मोजार्ट है, मोक दे के आ रहा है, जेनेटा उम्मीद करते हैं बोर्ड में रहे या जीतने का चांस भी है, क्राउड जंपर है। और 7 नंबर क्वीन एनिवला, मेरे ख्याल से अधिराज सिंह जोधा जी ने सारे घोड़े यार उन्हीं के पास थे घोड़ा, एक्स नेम इसका लॉटरी है। और दशरथ के नीचे बम्प हुआ था, छठा लगा था 1600 में, 1400 बहुत बढ़िया भागा हुआ घोड़ा है यार, और बिल्कुल घोड़ा बोर्ड में रहना चाहिए, उम्मीद तो है। और पिक लेके चलूंगा 1300 मीटर का डिस्टेंस है, 14 क्लास 4 में, 1 नंबर करंट व्यू इनायत, और 5 नंबर जेनेटा पी साई कुमार। चौथी रेस में आ जाते हैं दोस्तों, 1200 मीटर की रेस है क्लास 3 की, और यहाँ पे 1 नंबर है फेरनेट ब्रैंका, लास्ट टाइम का फ्रंट ही निकल के मतलब चौथा हो गया, मुझे लगा था यार घोड़ा जीत ही गया एंटनी के नीचे, मुकेश कुमार बैठाया है इस बारी, बिल्कुल घोड़ा यार बनता है। और ऊटी के ट्रैक में थोड़ा सा हो सकता है कि भाई टफ हो, बट यार इस बारी लास्ट रन के हिसाब से बोर्ड में तो रहना बनता है घोड़े ने। 2 नंबर है बिथोवन,
ये घोड़ा यार बिल्कुल जॉकी फाइन हुआ है। इनायत लास्ट टाइम बैंड से मुड़ने के बाद थोड़ा सा बाहर हुआ, और बट उम्मीद करते हैं पहला रन है अब यहाँ पे, मतलब चेन्नई के बाद ऊटी में, तो एक बेटर रन देखने को मिले। उसके बाद है 4 नंबर दोस्तों रियानॉन, ये साथ में भागे हुए घोड़े हैं कुछ यार। ये लास्ट टाइम अभी मांझी बैठाया हुआ था और इस बार इनायत बैठा दिया, 5-6 रन विदाउट विप जॉकी हैं सारे। इस बारी इनायत के पास विप है और वेट का भी अलाउंस, मतलब वेट में भी अलाउंस है 3.5 किलो का। 5 नंबर है सेनोरा बियांका, लास्ट टाइम जीता था एस एम लॉन्गर रोड में यार, और बिल्कुल टाइमिंग ठीक थी, 14:76 की टाइमिंग करके गया है लास्ट टाइम यार। बिल्कुल बनता तो है घोड़ा, रिपीट कर सकता है। 10 नंबर है वकांडा, अपसेट कर सकता है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरा पिक रहेगा दोस्तों, 5 नंबर सेनोरा बियांका एस ए अमित, और 1 नंबर फेरेंट ब्रांका मुकेश कुमार। ठीक है, 5वीं रेस में आ जाते हैं दोस्तों। 5वीं रेस में यार मैं 1200 मीटर 3 ईयर ओल्ड की रेस है, और मैं यहाँ पे ना सीधा पिक में ही आ जाता हूँ। 2 नंबर मल्टीवेव मोहित सिंह, लास्ट टाइम भी कुछ यार ब्लैंकर ऑन करने के बाद बिल्कुल उम्मीद थी कि घोड़ा जीतेगा, बट अनलकी रहा, और इस बारी उम्मीद करते हैं कोई फील्ड इतनी टाइट लग नहीं रही इस बारी, और उम्मीद करते हैं जीते घोड़ा यार। काफी लंबा समय हो गया एक विक्ट्री ढूंढ रहा है घोड़ा। और दूसरा घोड़ा इसी रेस में पिक लेके चलूंगा, 9 नंबर हैप्पीनेस सीए ब्रिसन, और फेवरेट था लास्ट टाइम हेलेन ऑफ ट्रॉय के साथ में काफी, और उसके पहले का अगर आप रन देखेंगे सेमिनोल विंड के आगे थर्ड लगा हुआ है, तो बिल्कुल यार यहाँ पे घोड़ा ये बनता है हैप्पीनेस, और देखते हैं दोनों में कौन जीतता है। और 6ठी रेस में मैं 3 घोड़े पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 6ठी रेस डिवीजन 2 की है 1200 मीटर 3 ईयर ओल्ड की। यहाँ पे 3 नंबर महादेवी, सही लग रहा है घोड़ा, ट्रैक ठीक जा रहा है यार इसका। और उसके बाद 2 घोड़े 6 नंबर सॉफ्ट विस्पर पी साई कुमार, सेमिनोल विंड के आगे चौथा लगा था, काफी क्लोज था। उसके बाद गिनीज रेस थी और समथिंग रॉयल 1400 मीटर का डिस्टेंस था, और इस बारी बनता है। और जैन जीरो लास्ट टाइम फेवरेट हो गए यार, गेट से बाहर होना थोड़ा सा मिले सरप्राइजिंग था, खैर इस बारी उम्मीद करते हैं सीयू में इस बैठा दिया है और बोर्ड में दिखे। पिक लेके चलूंगा दोस्तों 6 नंबर सॉफ्ट विस्पर पी साई कुमार, और 8 नंबर जैन जीरो सीयू में, तो इन दोनों के बीच में देखने को मिले, और कहीं महादेवी ना उड़ा दे तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। और उसके बाद आ जाते हैं 7वीं रेस में, 7वीं रेस में बहुत घोड़े दिख रहे हैं यार मुझे, आप एक बार आप देख लो, विंड सिंबल है बोर्ड के लिए, ट्राई कर सकता है। लास्ट टाइम नोटी डांसर के आगे ये भागा हुआ है, और 2 नंबर विप लॉस हो गई थी, गुड सेकंड लगा हुआ है, वेट काफी थोड़ा ज्यादा हो रहा है, बट क्लास 1 से क्लास 2 भी जा रहे हैं तो पेनल्टी तो आनी है वेट की। और 4 नंबर डन इट अगेन, ये भी घोड़ा बिल्कुल बनता है यार। 5 नंबर है 7 नंबर रे ऑफ सन, उम्मीद करते हैं बोर्ड में दिखे घोड़ा, लास्ट टाइम चौथा लगा। और 8 नंबर है, ये घोड़ा सही लग रहा है यार मुझे, मांझी ने ही लास्ट टाइम रन दिया था और 1400 मीटर फ्रंट निकल के गुड थर्ड हुआ है ग्लोरियस ग्रेस के आगे। इस बार शूज भी चेंज हो रहे हैं, 3 नंबर का गेट है, सेम जॉकी जा रहा है, विदाउट भी बिल्कुल एक सरप्राइज रन दे सकता है। और उसके बाद आ जाते हैं 9 नंबर म्यूटेंट, एम ईश्वर जी के पास था मैसूर में, सभी को पता ही होगा, और मंजरी जी का घोड़ा, और यहाँ पे नहीं जो भी है ऑनर सेम ही है, और यहाँ पे बी सुरेश जी के पास है, इस बारी सीयू में इस बैठा हुआ है। घोड़ा बढ़िया है यार, ये पोटेंशियल बहुत है और अच्छी फील्ड देखी हुई है, देखते हैं ऊटी में कैसा रन देता है पहला। और 10 नंबर रेस, सभी ऑलमोस्ट घोड़े बनते हैं यार इस रेस में, बट मैं सिंगल ही पिक लेके चलूंगा दोस्तों, 1300 मीटर में क्लास 2 में 2 नंबर गॉड्स प्लान एस ए अमित, लास्ट रन के हिसाब से। बाकी सभी घोड़े हैं यार, आप अपने हिसाब से एक बार कंसिडर देख लेना टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड में। और आ जाते हैं उसके बाद 8वीं रेस में दोस्तों, ये भी डिवीजन 2 की रेस है 1300 मीटर क्लास 2 की, और यहाँ पे 2 नंबर गोल्डन मरीना एस ए अमित के नीचे बिल्कुल चांस आप ले सकते हैं। 1200 मीटर इम्प्रेसिव जीता हुआ है, 2 बारी जीता है, और दोनों बारी इम्प्रेसिव विक्ट्री है 5.5-6 लेंथों से, और 1 बारी 4.25 लेंथों से। 3 नंबर है स्टार सिंबल मोहित सिंह के नीचे, लास्ट टाइम अभी जीता था, दोबारा रिपीट कर सकता है। 4 नंबर है कैरेट डेनिस इनायत के नीचे, गुड थर्ड हुआ था अभी घोड़ा, सुप्रीम डांसर, और
उसके बाद है 7 नंबर डायमंड एंड पर्ल। घोड़ा यार इंक्वायरी ओपन हुई है घोड़े पे लास्ट टाइम, और इस बार सी में इसके नीचे उम्मीद करते हैं घोड़ा जीते हैं यहाँ पे। 8 नंबर हेलुसिनेट, 10 नंबर प्राउड चांस बनता है, और पिक लेके चलूंगा दोस्तों 7 नंबर डायमंड एंड पर्ल सी उमेश और 4 नंबर कैराडेनिस इनायत। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाइयों। और इसके बाद 30 तारीख के बाद मेरे ख्याल से 1-2 तारीख में कोई रेस है नहीं, और उसके बाद मिलते हैं दिल्ली की रेसों में। ठीक है दोस्तों, बाय, टेक के मेरे भाइयों, बाय यार, बाय 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 बाय।